नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है पति के कपड़े से करी वशीकरण। ये टोटका, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं। क्या आप भी अपने पति पर वशीकरण करना चाहती हैं? क्या आपका पति भी आपके वश में नहीं है? क्या आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपके वश में हो जाए? क्या आप नहीं चाहती कि आपका पति किसी दूसरी स्त्री को देखे? क्या आप भी नहीं चाहती कि आपका पति किसी दूसरे इंसान की बात माने? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पति के कपड़े से करें वशीकरण। जी हाँ, देखिए, आप अपने घर पर रहती हैं और आप अपने घर पर रहकर सिर्फ ये वशीकरण टोटका कर सकती हैं पति के कपड़े के ऊपर। जब आपके पति बाहर चले जाएं घर से, तो आप इस वशीकरण मंत्र का इस कपड़े के द्वारा वशीकरण टोटके का प्रयोग कर सकती हैं। क्या आपके पति किसी दूसरी औरत के साथ रात भर बातें करते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं? क्या आपके पति सोतन के पीछे दीवाना हो गए हैं, आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करते? तो इस वीडियो के जरिए एक महिला अपने पति को अपने काबू में कर सकती हैं। देखिए, पति को काबू में करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये है कि आपका पति आपकी बात सुनेगा, आपके काबू में रहेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, जो टोटका आपको बताया जाएगा उसका प्रयोग करके आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं। इस टोटके को करने के लिए जो सामग्री चाहिए, आपने अपने पति का कपड़ा लेना है, आप रुमाल भी ले सकती हैं, और आपने दो नींबू लेने हैं, पीले नींबू, ये आप रख लीजिए अपने सामने। और वशीकरण करने के लिए शुक्रवार या अमावस्या का दिन सबसे अच्छा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। रात्रि के 12 बजे या सुबह 4 बजे आपको क्या करना है, जो सामग्री मैंने आपको बताई है, पति का रुमाल ले लीजिए और दो नींबू लेने हैं। एक नींबू पर आपने अपना नाम लिखना है और दूसरे नींबू पर अपने पति का नाम लिखना है, और दोनों नींबू के ऊपर सिंदूर लगाकर आपने रुमाल में लपेट कर उस पर आपने 108 बार वशीकरण मंत्र का जाप करना है। ओम नमो अमोक वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमोक की जगह आपने अपने पति का नाम बोलना है और आपने इसको अपनी अलमारी में कहीं पर भी छुपा कर रख देना है, जहां पर आपके पति की या किसी की नज़र न पड़े। जरूरी ही नहीं अलमारी में, आप और कहीं छुपा कर रख सकती हैं जहां पर किसी की नज़र न पड़े। ऐसा करने से आपका पति आपके वश में हो जाएगा, हमेशा आपके काबू में रहेगा, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आपके पति कभी किसी दूसरी औरत के चंगुल में नहीं फंसेंगे, आपके ही वश में रहेंगे। तो उसके बाद आपने 7 दिन तक अपने पास रखना है ये टोटका जो मैंने बताया था। 7 दिन के बाद आपने इसको किसी पानी में बहा देना है रुमाल समेत, और घर वापिस आ जाना है, और घर वापिस आते समय आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से पति आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मानने लगेगा। तो अगर आप भी हैं परेशान, तो इस वीडियो के जरिए आप जान सकती हैं समाधान। आप वो दिन दूर नहीं जब आपका पति होगा आपके वश में और आपकी हर बात मानेगा, आपके साथ प्यार भरी बातें करेगा, आपको कोई गिफ्ट भी देगा और आपसे प्यार भरी बातें करेगा, दिन रात आपके ही कब्जे में रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।